हमें बचपन से रूल्स में रहना सिखाया जाता है। घर के रूल्स, स्कूल के रूल्स, कॉलेज के रूल्स, ऑफिस के रूल्स, सोसाइटी के रूल्स, और कहीं ना कहीं इनमें से कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हमें सही रास्ते में रखने में हेल्प भी करते हैं। पर कुछ है जिन्हें तोड़ देना ही अच्छा है, जो शायद हर किसी के लिए सही नहीं है। कुछ ऐसी बातें जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हमें वो ही सच लगती है, और हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग्स करने लगते हैं, और शायद इसीलिए कहीं ना कहीं जाकर स्टक हो जाते हैं। तीन ऐसी बातें, तीन ऐसे रूल्स या तीन ऐसे प्रिंसिपल्स जो शायद हटा देना ही अच्छा है। नंबर वन, वेट फॉर द मोमेंट। आई डोंट थिंक यू नीड टू वेट फॉर द मोमेंट टू स्टार्ट समथिंग ग्रेट। अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो वो ही मोमेंट सबसे अच्छा है जब आप करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये थॉट कहीं ना कहीं एक टाइम पे हमें लेजी बना देता है, प्रोक्रेस्टिनेट करना सिखा देता है। सो डोंट वेट फॉर द करेक्ट मोमेंट, क्रिएट योर मोमेंट, बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटीज हर वक्त मिलती रहती है। आपको बस सही अपॉर्चुनिटी को पहचानना है और अपना काम, अपनी मेहनत शुरू करनी है। वो मोमेंट अपने आप क्रिएट हो जाएगा, सही टाइम अपने आप आ जाएगा। पर अगर हम वेट करते रहेंगे कि सही मोमेंट आएगा तो हम काम शुरू करेंगे, तो याद रखिए वो सही समय कभी नहीं आएगा। नंबर टू, सेव टू एंजॉय लेट। फ्यूचर प्लानिंग्स अच्छी बात है, सबको करना चाहिए। एक पार्ट आपके इनकम का, टाइम का, फ्यूचर वर्क्स के लिए होना चाहिए, पर पूरा टाइम नहीं, क्योंकि काम घूम के वापस आ सकते हैं पर समय घूम के नहीं आता, खोए हुए लोग वापस नहीं आते। इसीलिए जरूरी है ये समझना कि किस वक्त क्या करना जरूरी है। फैमिली का टाइम फैमिली का ही होना चाहिए। ये सोच के मत रहिए कि बाद में तो समय ही समय होगा, अभी काम कर लेते हैं, बाद में सब एंजॉय करेंगे, फैमिली भी, फ्रेंड्स भी, जिंदगी भी। पर क्या आपको सच में पता है कि जब आप इनके साथ समय बिताने का सोच रहे हैं तब वो रहेंगे, ये सिचुएशन रहेगा, ये उम्र रहेगी, ये अपने रहेंगे, हम रहेंगे? नहीं पता ना, तो जिस समय का कुछ पता ही नहीं उस पर इतनी जरूरी चीजें मत छोड़िए। फ्यूचर पे अपनी आज की जिंदगी के बेहतरीन मोमेंट्स छोड़ने पे हम आज के समय पे ना ठीक से जी पाते हैं और ना ही फ्यूचर में। नंबर थ्री, हैव अ प्लान एंड स्टिक टू इट। ये चीज भी हमें बचपन से सिखाई जाती है, प्लान एवरीथिंग, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, हर चीज प्लान करके चलो और फिर उसे ही फॉलो करो। Not that मैं आपको प्लान करने से मना कर रही, बिल्कुल भी नहीं, पर जिंदगी का एक हिस्सा जिंदगी के लिए छोड़ देना चाहिए। हर चीज अगर हम ही प्लान कर लेंगे तो जिंदगी क्या प्लान करेगी? कुछ तो सस्पेंस रखते हैं ना, थोड़ी जगह जिंदगी को भी देते हैं कुछ ऐसा करने को जो हमारी आपकी सोच से बाहर है। पर वो तभी हो सकता है जब आप इस सोच से बाहर आए कि जो सोचेंगे वही होगा, हम जो चाहते हैं वो ही होना चाहिए, हमें हमारे ही प्लान के अकॉर्डिंग चलना है, बाकी सामने कुछ भी आए हमें प्लान नहीं बदलना। क्योंकि शायद ऐसा करने से आप अपनी जिंदगी में कई ऐसी चीजें खो देंगे जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा आपको मिल सकती है, बिकॉज यू वर टू बिजी विथ योर ओन प्लान।